इनकी एनडीए की सरकार बनी है तो तब से पूरे देश में और खासकर बीजेपी शासित राज्यों में तो इन्होंने अपनी जातिवादी 267 मार्च। आप लोग मुझे अपनी बात रखने दो, आप सुनिए 267 मार्च लगे। चलो मान्यवर, जब से केंद्र में बीजेपी व इनकी एनडीए की सरकार बनी है तो तब से पूरे देश में और खासकर बीजेपी शासित राज्यों में तो इन्होंने अपनी जातिवादी संप्रदाय व पूंजीवादी मानसिकता के तहत चलकर अपने राजनीतिक स्वार्थ में वे अपने नफे नुकसान को भी सामने रखकर यहाँ विशेषकर गरीबों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, मजदूरों, किसानों एवं मध्यम वर्ग जो बड़े पैमाने पर शोषण में उत्पीड़न जो अभी भी लगातार है, तो वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। और इस संदर्भ में मान्यवर, इस संदर्भ में मैं पूरे सदन का ध्यान उत्तर प्रदेश में बीजेपी बैंक की सरकार द्वारा एक सोची समझी राजनीतिक साजिश व स्वार्थ के तहत वहां जिला सहारनपुर के सब्बीपुर गांव में कराए गए दलित उत्पीड़न कांड की तरफ दिलाना चाहती हूं, जिस पर पर्दा डालने के लिए बाद में फिर इन्होंने एक दलित संगठन को भी इस्तेमाल करके इसे जातीय हिंसा का रंग दिया है, रूप दिया है। जबकि मान्यवर, इस कांड की सच्चाई ये है कि इस वर्ष 14 अप्रैल को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती थी और जयंती के मौके पर गांव सब्बीरपुर के जो दलित वर्ग के लोग थे उन्होंने जुलूस निकालने का फैसला लिया और वहां पर एक संत रविदास मंदिर है तो मंदिर के चबूतरे में इस मौके पर बाबा साहब की प्रतिमा लगाने का भी फैसला लिया था। लेकिन वहां के जो संबंधित अधिकारी थे तो उन्होंने उनको ना तो जुलूस निकालने की परमिशन दी और ना प्रतिमा रखने की परमिशन दी। लेकिन वहां के दलित वर्ग के लोगों ने तो वहां के बया मेरी पूरी बात तो रखने तो मान्य ये ठीक नहीं है। ये 3 मिनट हो गया, अभी मैंने 3 मिनट में बोलना है मान्य सभापति जी, 3 मिनट में बोलना है, सवाल 3 मिनट का नहीं है, मामला गंभीर है। मान्य सभापति जी, तो वहाँ जो दलित वर्ग के लोग थे सब्बीपुर गांव के तो उन्होंने अधिकारियों की बात मानकर ना तो जुलूस निकाला और ना ही प्रतिमा रखी तो और उनका अधिकारियों की बात मान ली। उसके बाद 14 अप्रैल के बाद अगले महीने फिर 5 मई को महाराणा प्रताप की जयंती के मौके पर तो उनके अनुयायी लोग तो वहाँ पर जुलूस निकाल रहे थे तो वहाँ के दलित वर्ग के लोगों ने तो जो अनुयायी लोग थे उनसे उन्होंने झगड़ा नहीं किया, उनको और नोटिस है, जीरो आवर नहीं है ये, यू कैन नॉट गो ऑन लाइक जीरो आवर नहीं है ये, स्थगन प्रस्ताव मैंने बोला 3 मिनट बोला है, मैं थोड़ी
और बात है, अभी तो 5 मिनट हो गया भाई, सारे बोला 3 मिनट, नहीं ना 3 मिनट वो लोग उधर से सब बोलते रहे, अच्छा नहीं, मेरी बात पूरी रखने दो, अच्छा नहीं। माननीय उपसभापति जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरी बात जरूरी बात है, इम्पोर्टेंट बात है, मेरी बात को रखने दो। यस, तो माननीय जी कहना चाहती हूँ, इन 267 अगले यू कैन ओनली आस्क फॉर अ डिस्कशन, दैट इज ऑलरेडी आस्क, so it is over, you cannot make a speech here, no, Gulam Nabi Azad, ye aise kaise ho jayega ye, ha so kya nahi aayega, mujhe bolne nahi doge, okay nahi aayega, aaj raat se baat se istifa deti hu, I have so many names, bolne nahi doge, to mujhe is kadam mein rehne ka, I have so many, look here, jab aap mujhe bolne nahi doge to main aaj istifa deti hu, she is challenging sir, she is challenging sir, she is challenging sir, very serious श्री गुलाम नबी आजाद